शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 35। ठीक है, ये वर्कशीट आपकी 14 तारीख की है। ठीक, मैं आज डाले दे रही हूँ, आप लोग देख लेंगे जब भी होगा। इसके अलावा आप लोग बार बार कहते हैं कि मैम कौन से उसमें हम ये सब्जेक्ट की वर्कशीट है, किस कॉपी में करें, तो आज की जो वर्कशीट है इसको हम मैथ्स की वर्कशीट मान सकते हैं। ठीक है, इसमें जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग हम इसे मैथ्स की मान सकते हैं। ठीक, इसके अलावा मैं नेक्स्ट मंथ से आपको 6 to 8 ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियोस डालूंगी नेक्स्ट मंथ से। ठीक है, यानी कि सितंबर से, तो आप लोग उसे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहले की तरह इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे। इसके अलावा ये वर्कशीट आपकी दोनों लैंग्वेजेस में आई है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, तो मैं दोनों में बनाऊँगी, आप लोग ले सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूँगी। देखिए, आप लिखेंगे वर्कशीट नंबर 35, यहाँ पे अपनी क्लास, जो भी आपकी क्लास है, फिर अपने अपना नाम और अपने टीचर का नाम आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मैं और मेरी दीदी फल बहुत चाव से खाते हैं। इसके अलावा ये वर्कशीट आपकी ना पहले भी आ चुकी है पाई चार्ट के उसमें। ठीक है ना, ये दोबारा से रिपीट हुई है, बस इसमें थोड़ा सा टेक्स्ट को चेंज कर दिया गया है, बाकी ये वर्कशीट आप पहले भी कर चुके हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम अनानास, मौसमी, जामुन, लीची आदि फल ज़रूर खाते हैं, क्योंकि इनमें विटामिन सी होता है जो हमें बीमारियों से बचाने में मदद करता है। पापा, रेट लिस्ट, रेट लिस्ट किसे कहा जाता है? प्राइस लिस्ट, ये जो आपके कितने रुपए का क्या सामान लाए पापा, रेट लिस्ट, ये उस रेट लिस्ट की बात हो रही है। ठीक है ना, पापा रेट लिस्ट से देखकर हमसे कई सवाल पूछते हैं, जिसे हल करने में बहुत मज़ा आता है। आओ नीचे दिए गए प्रश्नों को मिलकर हल करें। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि एक बच्ची आपसे कह रही है कि वो और उसकी बड़ी बहन दोनों लोग फल बहुत शौक से खाते हैं, जिसमें वो अनानास, मौसमी वगैरह ज़्यादा शौक से खाते हैं। इसके अलावा ये विटामिन सी होता है इसमें, जो हमें बीमारी से दूर रखने में मदद करता है। ठीक, चलिए अब हम लोग इनके पापा ने जो रीड लिस्ट को देख के क्वेश्चंस पूछे वो देख लेते हैं क्या है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये रेट लिस्ट जान लेना है कि रेट लिस्ट क्या है। तो इसमें लिखा है पपीता 35 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी अगर आप 1 किलो लेंगे तो आपको 35 रुपये देना पड़ेंगे। लीची 70 रुपये प्रति किलोग्राम। मौसमी 40 रुपये पर केजी, ठीक है, यानी 1 किलो के 40 रुपये। अनार 90 रुपये, सेब 120 रुपये, आम 40 रुपये, अमरूद 25 रुपये, अनानास 80 रुपये। ठीक है, तो अब आपको रेट लिस्ट का अंदाज़ा हो गया कि पापा कौन से फल कितने रुपए में ख़रीद के लाए हैं, या मार्केट में कौन सा फल कितने रुपए का था। चलिए अब हम पापा के दिए हुए क्वेश्चंस को पूछ लेते हैं कि क्या पापा ने हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं। चलिए देखते हैं, आइए इन सवाल को हल करें। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। पहला आपको सवाल दिया गया है, 2 किलो आम और 1 किलो सेब का कुल मूल्य कितना है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे ऊपर कि आपका 1 किलो आम कितने का है। तो देखिए, यहाँ आपको दिया है 1 किलो आम कितने का है, 40 का। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 40 rupees। ठीक है, तो अब 2 kg कितने का हुआ, 2 kg इज इक्वल टू 40 × 2। ठीक है, यानी 40 × 2 इज इक्वल टू 80, यानी कि 2 किलो आम कितने रुपए के हुए, 80 रुपए के। ठीक है, तो अब आपको दिमाग में रखना है ये बात कि आम कितने के हो गए आपके, 80 रुपए के 2 किलो। ठीक है, इसके बाद 1 किलो सेब, अब 1 किलो सेब कितने का, 120 का। तो वो आप सिंपल सा लिख लेंगे कि 120 रुपए के सेब हुए, आप टोटल कर लेंगे तो आपके 200 रुपए आंसर आ गया। तो यहाँ हमने टाइप कर दिया 200 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आया पहले प्रश्न का, 200 रुपए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, पापा ने 600 ग्राम लीची के कितने रुपए में ख़रीदी, यानी पापा ने 600 ग्राम अगर लीची ख़रीदी तो कितने में ख़रीदी, 42 में ख़रीदी। कैसे ख़रीदी, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, लीची कितने रुपए की है, 70 रुपए की। ठीक है, तो 70 रुपए हम ऊपर लिखेंगे। ठीक, अब 70 रुपए में कितने ग्राम आएगी लीची, तो 70 रुपए में कितने ग्राम लीची आएगी, यानी 1000 ग्राम। क्यों,
क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। और उन्होंने कितने ख़रीदिए, उन्होंने 600 ग्राम खरीदिए, तो कितने रुपए देंगे। तो इस तरह से ये हमारी बन गई इक्वेशन, क्या बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, देखिए इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट देंगे, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को काट देंगे, इससे इसको काट देंगे, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचा, 7/1 × 6, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो उस लिहाज से हमारे पास क्या बचा, 7 × 6, तो 7 × 6 = 42, ठीक है। तो अब आपका आंसर कितना आ गया, 42 रुपीज़, यानी पापा ने 600 ग्राम लीची के कितने रुपए दिए, 42 रुपए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अनार की कीमत अमरूद की कीमत से कितनी अधिक है, यानी अनार जो है वो अमरूद से कितना महंगा है। तो यहाँ हमने 65 रुपये लिख दिया है, कैसे लिखा है चलिए देख लेते हैं। अब देखिए आप, यहाँ अनार कहाँ है, गुड, ये रहा अनार, ठीक है। अमरूद कहाँ है, ये रहा अमरूद। तो अनार कितने का है, 90 रुपये प्रति किलो, और अमरूद कितने हैं, 25 रुपये प्रति किलो, ठीक है। तो अब उस हिसाब से हम इसे माइनस कर लेंगे, तो 10 में से 5 गए बचे 5, और 8 में से 2 गए बचे कितने, 6, तो कितने रुपए हो गए, 65, यानी हम दोनों का जो रेट है उसे आपस में माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा कितना, 65 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 किलो अनानास का मूल्य बताइए, यानी 5 किलो अनानास कितने रुपये के हुए। तो हमने आंसर लिख दिया 400 रुपये, कैसे हुए चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका अनन्नास, तो 1 किलो यानी 1 kg = 80 रुपीज़, यानी 1 किलो कितने के हैं, 80 रुपये के। तो हमें कितने चाहिए, 5 kgs, तो 5 kg = 80 × 5, यानी हम यहाँ क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, देखिए 0 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, और 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 8 = 40, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 400, ठीक है। तो यानी पापा ने अगर 5 किलो अनानास खरीदे तो 5 किलो अनानास कितने रुपये के हुए, 400 रुपये के, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।